सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, क्या हालचाल, क्या बोलती पब्लिक, चुर मचा दे, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है और आपका भाई आ चुका है एक और नया बेहतरीन सा ब्लॉग लेके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों अभी हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी जस्ट मैंने टी ली है और नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह। दानियल ये आपने क्या करा, प्याज को क्या करा आपने, टोए बना दिए क्या? हाँ। और इसका टोए कहाँ? ओह गिर गया, उसका उसका फेस तो निकल गया दानियल, अब क्या करोगी आप? रायना आप भी कहाँ है, तो आप क्यों नहीं सो रही उनके पास? रायना अप्पी को लेके आती ना। दानियल आप क्या बना रही हो, क्या बना रही हो? अरे बाप रे, ये तो आपने कुतुब मीनार बना दिया, वो गिर गया, ये टिकेगा थोड़ी इतना ऊंचाई पे। आपको कुछ ओलो कुछ क्रिएटिव बनाओ ना, कुछ क्रिएटिव। ये फिर गिरेगा? नहीं गिरेगा, इस पर टिक जाएगा। हाँ नहीं गिरा, अब गिरेगा, गिरेगा। इसको चला क्या बता, और गजब कर दिया दानियल तुमने तो, नहीं गिरा, वाह यार। ये क्या कर रही हो? अरे गया गया गया, जाने वाला है वो, क्या गिर गया? गिर गया, मैंने बोला था ना गिर जाएगा, मैंने बोला था ना गिर जाएगा। अरे इतना ऊंचा बनाऊंगी तो गिर जाएगा। या आप कर रही हो ना, आपने इसको क्यों निकाला, खराब हो जाएगा ना ये, अरे टूट जाएगा, मत निकालो यार, इसको रख दो तो, अंदर रख दो तो, अरे रख दो खराब हो जाएगा, ये आपके खेलने की चीज़ थोड़ी, टॉय नहीं है वो, अरे टॉय नहीं है वो। मुझे क्या पता है बोतल उसकी, मुझे नहीं पता यार, मैं क्यों रखूँगा। तो दोस्तों मेरी असर की नमाज हो चुकी है और मगरिब की नमाज का टाइम है और आज जिम की छुट्टी है, आज हम नहीं जाएंगे जिम, तो घर पे ही रहेंगे। और बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं खा, जल्दी से खाना खा। तो दोस्तों हमारा खाना लग चुका है और ये मसूर की दाल है और रोटी है, तो जल्दी से खाते हैं, बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है। इसकी बॉल है ये, तो आपने क्यों ले ली? दानियल को दे, रायना अप्पी को दे दो। दानियल क्या हो गया, अरे मेरे से क्यों गुस्सा हो, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? मैंने आपको परेशान कब किया, स्कूल ले जाऊंगा मैं आपको, अब स्कूल छोड़ के आऊंगा, सुबह सुबह स्कूल ले जाऊंगा मैं। एडमिशन आपका हो गया है, ले लो एक प्लेट
दानियल की प्लेट ले ले तो आलू उसकी दानियल की प्लेट ले ले आलू तो ले ले तो वो नहीं खा रही है ये सिर्फ नाम नहीं ब्रांड है ब्रांड और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब से मुझे वायरल हुआ है और बीवी को वायरल हुआ है तब से एक प्रॉब्लम होने लग गई है मतलब बुखार तो ठीक हो गया है और सर्दी भी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है खांसी हल्की फुल्की होती है बाकी वो भी नॉर्मल ही है प्रॉब्लम बस इस बात की है कि हम दोनों को थोड़े से चक्कर और कमज़ोरी आने लगी है इस वायरल की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं तो अभी जो वायरल चल रहा है ना बड़ा ही डेंजरस वायरस है ये क्योंकि इससे क्या होता है कि सर्दी खांसी बुखार ठीक होने के बाद ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं हो तो ये प्रॉब्लम हो रही है तो चाय पीते हैं क्योंकि अभी हमारी मॉर्निंग हुई है तो जल्दी से फटाफट चाय पीते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है बीवी बना रही हैं कुछ खाना बना रही हैं और रहा नहीं जा रहा थोड़ी देर मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा काम भी था वो काम को फिनिश किया है और बीवी ने भी अपना काम फिनिश कर लिया है तो वो खाना बना रही है जल्दी से हमें खाना मिलने वाला है और बुखार जो गा है जाते जाते उससे ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो माउथ का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बीटर हो गया है कुछ समझ में नहीं आता आएगा एकदम दिल करता है कि बहुत ज़्यादा चटपटा सा खाऊं और अगर चटपटा ज़्यादा खाते हैं तो इतना ज़्यादा टेस्ट पता नहीं चलता आएगा तो बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट हो गया है माउथ का। अबू क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो अबू और तेरी दादी को ढूंढ रही थी अरे वाह यार आई तुला आप कहाँ गई थी ढूंढने गई थी अरे वाह यार तुमने तो पूरा मोहल्ला नाप दिया होगा। तो दोस्तों हमारा ये बेसन बना हुआ है और बेसन से हम खाना खा रहे हैं और ये बेसन है तो जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण वाली भूख लग रही है। दानियल रायना आप क्या कर रहे हो सब ओहो ओ दानियल आपकी चोटी किन्ने बांधी अरे वाह यार आपको तो सरदार जी बना दिया क्यों दानियल दानियल आपकी चोटी किन्ने बांधी वाह यार बहुत अच्छी लग रही है यार अरे वाह यार सरदार बना दिया दानियल को तो अच्छा लग रहा है। आपकी मम्मी कहाँ गई मम्मी बाजार गई अच्छा इसलिए आप खेल रही हो ठीक हाँ। है आप आराम से खेलना लड़ाई झगड़े मत करना ओके हाँ एक ही झगड़े और लड़ाई मत करना। तो दोस्तों अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी है और आज क्या हुआ कि फरमान को कन्फ्यूज़न हो गया कि जिम ओपन है या बंद है अभी उसने फ़ोन करके पूछा तो जिम सिर्फ 20 मिनट और ओपन रहेगी तो वो आया नहीं और हम आज वर्कआउट कर नहीं पाए तो इंशाल्लाह कल से वर्कआउट करेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था उससे इसलिए वो आ नहीं पाया उसे लगा कि जिम बंद है बाकी जिम बंद नहीं थी जिम 8 बजे तक खुली रहेगी और अभी 7:30 बज रहे हैं तो मात्र हमको पहुँचते पहुँचते 10-15 मिनट हो जाएंगे और 10-15 मिनट में जिम बंद हो जाएगी तो इससे अच्छा है कि हम कल वर्कआउट करें तो हम कल वर्कआउट करेंगे अभी पी लेते हैं मस्त एक चाय चाय पीने का दिल हो रहा है तो चलते हैं बनाते हैं मस्त चाय। क्या बच्चे लोग बाबा जानी ये बाबा का भोकाल अलग है आप थोड़ा तो क्या बाबा पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी बम बम फोड़े के नहीं अरे बम बम फोड़े के नहीं अरे यार तो माशाल्लाह दोस्तों हमने चाय बनाने के लिए रख दी है
और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उकल जाएगी, फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे मस्त। तो दोस्तों दस्तरखान लग चुका है और हमारे घर मेहमान आए, नमीरा आई है, तो उनकी पेशे खिदमत में नाश्ता लग रहा है और जस्ट वो अभी आने वाली है, किचन में है, तो आती हैं तो फिर बिस्मिल्ला करते हैं। अच्छा लग रहा है दानी? हेलो हेलो तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल बनाए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।